नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। यहां पर अभी अंबेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने आने वाले हैं चिराग पासवान जी, और देख सकते हैं यहां पर अभी ताले बंद हैं। और बताएंगे कि यहां पर अभी कार्यकर्ताओं से जब मैं बात करूंगा तो वो बतलाएंगे कि यहां पर क्या कुछ होगा और क्या कुछ होने वाला है। और चिराग पासवान यही वो अंबेडकर मूर्ति हैं जहाँ पर अभी जस्ट 15 से 20 मिनट में आएंगे और माल्यार्पण करेंगे। मगर यहाँ पर जिस प्रकार से ताले बंद हैं तो ये देखने वाली विषय होगी कि ये ताला कब तक खुलेगा, क्योंकि LJP के कार्यकर्ता भी यहाँ पर की जानकारी नहीं है कि ताला खुलेगी या नहीं, या फिर चिराग पासवान अंबेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर बंद है और कोई साफ़ सफाई भी उसके अंदर नहीं हुई है, बस सजा हुआ है। लोजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सजा दिया गया है, मगर अंबेडकर जी के मूर्ति पर पहले एयरपोर्ट से अभी अब पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से निकलने के बाद यहीं पर आएंगे और अंबेडकर जी के मूर्ति पर उनसे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे हाजीपुर के लिए। उसके बाद हम तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत और तमाम खबरों के लिए बने रहिए। अभी फ़िलहाल हम हैं पटना हाईकोर्ट के पास और पटना हाईकोर्ट के पास ही अंबेडकर जी का स्टैचू है, यहीं पर आएंगे चिराग पासवान। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ होगा। अभी के लिए धन्यवाद।